अभी मैं इसको चला दी, अब ये चावल नहीं लगेगा। तो आप लोग भी दो बार जरूर चलाएं चावल। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों के दुआ से, आशीर्वाद से। सो आज ही संडे और ये संडे स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। आज के दिन हम क्या क्या करते हैं वो सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। क्या सब खाने वाना में बनाते हैं और कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं आज के दिन, वो सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू कीजिएगा। और यहाँ पे फ़िलहाल जून, आज तो शायद कितने तारीख है, एक सेकेंड, संडे, हाँ 25 तारीख हो गया। और लग रहा है कल से ही इधर बारिश शुरू हो गई, मतलब गुजरात में बारिश शुरू हो गई। अब रोज़ अभी भी बारिश का मौसम है पूरा, तो अब लग रहा है अब रोज़ बारिश आएगी। सो बारिश का मौसम भी अच्छा है, पर उतना अच्छा नहीं लगता मुझे, बारिश का मौसम उतना पसंद नहीं है मुझे ना। जो फरवरी मार्च में, जो मार्च वाली जो मौसम होती है ना, मार्च में जो मौसम रहती है ना, नहीं ठंडी रहती है नहीं गर्मी रहती है, वो मौसम मुझे बहुत पसंद है। अभी फ़िलहाल बारिश का मौसम है, पर क्या करें, मौसम है तो मौसम को झेलना ही पड़ेगा। सो देखते हैं कैसा क्या होता है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। और फेस थोड़ा सा फूला फूला लग रहा है क्या, पता नहीं, वो थोड़ा सा मेरा रात में तबीयत ख़राब हो गया था इसकी वजह से। एक्चुअली क्या होता है ना, मुझे हो जाता है कुछ कुछ, तो थोड़ा रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसकी वजह से, थोड़ा सा मुँह फूला फूला लग रहा है, पर अच्छा लग रहा है देख सकते हो पर कोई नहीं, अभी सब ठीक है। और अभी चलते हैं हम फिलहाल खाना बनाने की प्रोसेस में, और क्या सब बनाते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। अभी टाइम बहुत बहुत, मतलब 9:30 बज गए, संडे है तो सब कुछ आज लेट से ही सोचे हैं, थोड़ा सा आराम भी किए हैं क्योंकि सुबह उठने का मन नहीं किया, तबीयत खराब था, फिर उठे हैं, चाय में बनाए, झाड़ू पोछा हो चुका है, अब खाना बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने ही रहिए, कहीं मत जाना। तो चलो, तो यहाँ पर बन रही है सब्ज़ी, और सब्ज़ी शिमला मिर्च, आलू की। और इसमें मैं क्या करती हूँ, पहले मसाला भून लेती हूँ, और ऐसे सब्ज़ी में बहुत सुंदर स्वाद भी आती है, बहुत सुंदर। और इस साइड पर है ये चावल, और चावल में ये पसाने वाला चावल जो होता है वो बना रही हूँ। मेरा फेस कट गया है एक्चुअली, अब तो हाथ से ही काम चला रही हूँ। तो ये देख सकते हो मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, ये देख सकते हो। अब इसमें मैं आलू और शिमला मिर्च कर दे रही हूँ। जब भी मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि इस वाले में ना बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, बहुत ही मस्त लगता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जो भी मसाला देना है ना, आप पहले भून लीजिएगा मसाला को, और फिर इसमें ये सब्ज़ी डाल के सब्ज़ी को अच्छे से पकाना है। और ये चावल इसमें देख सकते हो पानी अब फौलने वाला है। एक्चुअली चावल ज़्यादा ये खाते नहीं हैं, जब भी खाते हैं तो ये वाला चावल खाते हैं, तो मैं इसके लिए, और ये देख सकते हो अब इसको ढक देंगे, और कुछ तब तक मेरा चावल का ये भून ली है, और ये चावल डाल दे रहे हैं। और जो भी लगा इसको आइडिया, एक सीक्रेट बता दी, जो भी लगा हो इसमें वो हाथ से नहीं आए, तो इसको थोड़ा सा पानी डालना है। ये देख सकते हो गया ना पूरा क्लीन। ये भी वाला चावल बहुत पसंद है। और एक साइड अब बनाएंगे हम कढ़ी वड़ी, तो ये पहले चावल बन जाए, सब्जी बन जाए, इसके बाद हम कढ़ी वड़ी बनाएंगे। और ये चावल ऐसा वाला चावल मैंने कम से कम दो बार इसको, ये एक बार ये लगा दिए चावल, तब भी इसको चलाना पड़ता है, और इसके बाद कुछ सेकेंड बाद फिर से हम इसको चला लेंगे, ताकि चावल के लिए चावल बहुत जल्दी लग जाती है। और इस तरह की सब्जी भी पक रही है आराम से। ये दो बार अभी मैं इसको चला दी, अब ये चावल नहीं लगेगा। तो आप लोग भी दो बार जरूर चलाएं चावल। तो चावल सब्जी हमारा बन चुका है, और अब हम यहाँ पे कढ़ी बना रहे हैं।
तो ये बेसन को मैंने घोल लिया है और इसमें थोड़ी सी आधे चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा, आप चाहो तो दो वरना नहीं भी दे सकते हो। और सबसे मैंने है इसमें एक चुटकी, आप इसमें सोडा ज़रूर डालिएगा बेकिंग सोडा, इससे क्या होता है बहुत ही सॉफ्ट बड़ी हमारी जो बड़ा होता है ना वो बन के रेडी होता है बहुत ही मस्त। और नमक, इस सबको मिलकर जब हमारा तेल भी गर्म हो रहा है इसको अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ा सा फेंटना ज़्यादा है होता है तभी जाके हमारी ये बड़ा सॉफ्ट बनता है, तो इसके लिए हमें फेंटना पड़ता है ज़्यादा। और काफ़ी फेंटने के बाद ये ऐसा थिकनेस हो जाता है बहुत ही मस्त। और इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है अच्छे से, चावल सब्जी तो कब का रेडी हो चुकी है और ये भी हो जाए फिर इसके बाद हम कढ़ी बनाएंगे और आराम से। और देख सकते हो आप चाहे तो हाथ से भी दे सकते हो और न चम्मच से आप। मैं यहाँ पे फिर से हाथ से ही डालने लगी क्योंकि चम्मच से ना होता नहीं अच्छे से मेरे से, के लिए अपना बिहारी साइड बिहारी स्टाइल कुछ भी जब तक हाथ नहीं लगेगा ना शुद्ध ही नहीं होगा तो एकदम। और ये सोडा जो डाले इसकी वजह से एकदम बड़ा एकदम फुला फुला है, मैं पास से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो हमें सोडा डालने की वजह से कितना फूल गया है, बहुत ही मस्त हो गया और खाने में भी सॉफ्ट लगेगा, बहुत ही सॉफ्ट है ये देख सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट है। इसमें सोडा डालने की वजह से ऐसा हो जाता है, तो आप लोग सोडा को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे कढ़ी हमारी बन रही है, ये बेसन पहले अच्छे से और फिर इसमें हम ये देख सकते हो ये कढ़ी छाछ डाल देंगे। एक्चुअली आज मैं दही के कारण दही से कढ़ी नहीं बनाई हूँ, इसमें मैं छाछ का कढ़ी बनाई हूँ। और देख सकते हो हमारे बड़े जो हम बना के रेडी किए हैं ये बहुत ही सॉफ्ट हुए हैं, तो इसको अब हम बड़े डाल देंगे इसमें। देख सकते हो कितनी यम्मी लग रही है देखने में। और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, तो देख सकते हो एकदम हमारी कढ़ी बड़ी चावल सब्जी बन के रेडी हैं। और कैसा लगा आप लोगों को ये हमारी कढ़ी बड़ी की रेसिपी, आप लोग जरूर बताना। और फिलहाल अभी हम चलते हैं नहाने, नहा के आते हैं तो फिर मैं खाना दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके।